Correct. Pleats. Yeah, pleats. माननीय कपतराय जी, चंद्रप्रकाश जी, अध्यापक मंच में उपस्थित और इस सभा में भी अनेक अध्यापकगण, विद्यार्थीगण, हमारे देश आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर है जो देश की अस्मिता को कायम करने के रास्ते के मोड़। 1947 में हमने अंग्रेजों से छुटकारा पाए और उसके लिए लगभग 200 साल लगे। अंग्रेज सीधा प्रत्यक्ष बड़े हिस्से में हमारी देश की नियंत्रण में रखे था अपने हाथ में, वो 1857 के बाद बैठेंगे। लेकिन क्या 600 राजाएं थे, ये उनको हटाएंगे क्या सामने से, जिनको अप्रत्यक्ष रूप से उनका राज था और उस राज को उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में। उसके पहले लगभग 1152 से मोहम्मद गोरी जब दिल्ली में उन्होंने सिर पर पीड़ा पहनी से लगभग 600 साल के लिए मुसलमान राजाओं के साथ हमारे देश के लोग लड़ते रहे। इतिहास में जब मैं दूसरे देशों का इतिहास देखता हूं, जैसे पर्शिया जिसका नया नाम है ईरान, वहां अग्नि पुजारी जिनको ज़ोरोएस्ट्रियन कहते हैं वो उनकी देश थी और धर्म उनका हमारे से मिलता जुलता था। लोग कहते थे वो सौराष्ट्र से गए, इसलिए उनकी उनकी जो धर्म गुरु थे उसका नाम ज़ोरोएस्ट्र था, ज़रतुष्ट्र था। तो सौराष्ट्र से पहले गए थे क्योंकि मत में विभिन्नता आई तो चले गए। और आपको याद रखना चाहिए कि रामायण में कैके भी ईरान से थी और जब राम को वनवास में जाना था तो भरत और शत्रुघ्न, जब शत्रुघ्न और भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे क्योंकि वो ईरान के दो हिस्से के गवर्नर थे। तो इसीलिए उस ईरान के हम जब इतिहास देखते हैं कि इस्लाम ने जब ईरान का कब्जा किया तो उन्होंने 15 साल में उस देश को 100% मुसलमान बना दिया। इराक को 17 साल में, इजिप्ट को 21 साल में, यूरोप को 100% क्रिश्चियन बना दी 50 साल में। क्रिश्चियन वहां जाकर यूरोप को कब्जा की और सारे देशों को उन्होंने क्रिश्चियन 50 साल में की। हमारे देश में 600 साल इस्लाम के राजाओं ने, मुसलमान राजाओं ने यहां राज की, शोषण किया, मारपीट किया, दुनिया भर के कुकर्म किया। उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने उसी भयंकर अत्याचार उन्होंने भी किया, देश की संपत्ति को लूट कर लंदन ले गए। लेकिन बाकी जो परिणाम है वो 1947 में हमने देखा कि हिंदू फिर भी 82% पॉपुलेशन की है, दूसरे देशों में मिट गए थे और तो हमारे देश में हिंदू मिटा नहीं, वो लगभग 100% की जगह में 82% के संख्या में है। कारण था कि हर कोने में संघर्ष था, कभी हिंदू ने हार नहीं माना, कभी राणा प्रताप घास की रोटी खाना पसंद की और उनको लड़ना छोड़ा।
शिवाजी विजयनगरम साम्राज्य कर्नाटक से, और इसी प्रकार से कलिंगा, इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में अहोम डायनेस्टी जिसने 6 बार आक्रमण किया मुगलों ने पार करके बर्मा जाने के लिए, उन्हें 6 बार उन्होंने मुगलों को पीटा। गुरु गोविंद सिंह उन्होंने तो इस्लाम का और मुगलों का तो कमर तोड़ दी थी, उनके पिताजी ने अपने गर्दन दे दी धर्म परिवर्तन ना होने के लिए, परंतु हमारी इतिहास पुस्तक में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। विजयनगरम के एम्पायर के बारे में पूछता हूं विद्यार्थियों को, कुछ पता नहीं होता है। हाँ, कोई कभी कोई कह देता कि यहां कर्नाटक में था, अहोम डायनेस्टी का तो नाम ही नहीं सुना। और गुरु गोविंद सिंह के लिए जब वो रात को 12 बजे जाते थे महिलाओं को छुड़वाने के लिए कैंप से, मुसलमान के कैंप से, उसको उन्होंने दूसरे रूप से प्रस्तुत किया कि सरदार का 12 बजे हो गया, अब ये अंग्रेजों की दीवी जो मजाक है उसको बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दी। लेकिन हमारी इतिहास हमारे लोग जानते, राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, इस पृथ्वी में और हमारे देश में एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। कृष्ण भगवान पैदा तो इस देश में हुए, परंतु उनको हम संपूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि वो जानते थे कि मैं भगवान हूं। राम नहीं जानते थे वो भगवान, परंतु वो भी अवतार थे। और जब वनवास के लिए वो निकल पड़े तो लंका तक पहुंचे और अपने पत्नी जिसका भरण हुआ उसको छुड़वाए, और इसीलिए उत्तर भारत दक्षिण भारत में लोग राम को बराबर मानते हैं, एक राष्ट्रीय भगवान कह सकते हैं तो रामचंद्र जी है। जब कांग्रेस पार्टी और डीएमके मिलकर के तय किया कि राम सेतु को तोड़ेंगे और एक कैनाल बनाएंगे इस बहाना से कि कन्याकुमारी और टूटीकोरिन से चेन्नई जाना है तो फिर श्रीलंका घूम के जाना होता है, इसलिए श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में जो पानी है पाक स्ट्रेट कहते हैं या गल्फ ऑफ मन्नार, उसमें एक तराई में वो एक चैनल खोलेंगे, एक नाली बनाएंगे जिसमें से जहाज सीधा जा सकता है। लेकिन करुणानिधि जी ने सबसे बात बता दी कि मुसलमानों को कहा, उन्होंने मीटिंग बुला करके इन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, मैं राम सेतु तोड़कर आपको दूंगा और इसीलिए हम आपके देशी हैं। बट करुणानिधि तो रामचंद्र जी का प्रभाव नहीं जानते थे। एक दिन मैंने कोर्ट केस डाल दी थी अशोक सिंघल के कहने पर। अशोक जी एक ऋषि मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार से उनसे वो प्रेरणा मिलती थी। मैं तो उस समय प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का, मुझे ये सारी चीजें कुछ नहीं पता था, परंतु उन्होंने कहा नहीं राम सेतु तुम कोर्ट में इस पर केस डालो, तो मैंने केस डाला और फिर उसको एडम्स ब्रिज कहते थे अंग्रेजों ने, इसको एडम्स ब्रिज कहा था, तो मैंने कोर्ट में राम सेतु कह दिया, अखबार में आ गया। कर्नल जी बिगड़ गए और उन्होंने कहा ये कौन होता है स्वामी इसको राम सेतु कहने के लिए, क्या राम ने बनाया इस ब्रिज को, क्या राम इंजीनियर थे, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे, किस प्रकार की मजाक उन्होंने की। दूसरे दिन बीमार हो गए। और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और हॉस्पिटल का नाम था रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल।
राम के पास एमबीबीएस डिग्री नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, पर तो सबक सिखाना। हमारे देश में इतने अज्ञान है कि एक जज ने भी मुझे पूछा, मेरा नाम था जस्टिस रविंद्र, कि आप इस राम सेतु की क्यों लड़ रहे हो, ये तो समुद्र के बीच में, कौन जाकर समुद्र के बीच में जाकर पूजा करेगा। मैं कहा जस्टिस रविंद्र महोदय, रोज सुबह मैं सूरज का पूजा करता हूं, पर तो वहां होकर नहीं आता हूं। आपका नाम रविंद्र होना है और आप ऐसे सवाल मुझसे पूछते हैं। ये एक षड्यंत्र था हमारी आस्था को तोड़ने के, और उस षड्यंत्र आखिर में फेल हुआ। कोर्ट में फैसला हुआ कि राम सेतु सेतु समुद्रम शिव चैनल प्रोजेक्ट रद्द हो जाएगा, लेकिन सरकार उस समय की सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, हम दूसरा कोई रास्ता ढूंढेंगे। वो ढूंढ नहीं सके, और हमारी सरकार आने के बाद नितिन गडकरी ने एफिडेविट मेरे पिटिशन में फाइल की कि राम सेतु को छुएंगे नहीं अब कभी, और उसको राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए मैं लगा हूं, वो भी हो जाएगा। इस बीच में मेरा मित्र वहां प्रेसिडेंट बन गए थे राजपक्षा, उन्होंने जहां सीता को जेल में रखा अशोक पाटिका, उसको उसको उसकी रेनोवेशन कर दी, जहां हनुमान ने संजीवनी पहाड़ रखी उसको भी उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बना दी, रावण का जो महल था उसको भी उन्होंने रेनोवेट कर दिया। तो मैंने उनको पूछा ये क्यों कर रहे हो, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं, टूरिस्ट बहुत आने वाले हैं, जब आप राम सेतु को बना लेंगे और पैदल जाने के लिए व्यवस्था कर देंगे। राम का भक्त श्रीलंका में है, राम का भक्त थाईलैंड में है, राम का भक्त लोग कंबोडिया में है, इंडोनेशिया में है, लेकिन हिंदुस्तान में कम है। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रही कि आम जनता में कितनी एक संकल्प है राम मंदिर के बारे में। और मैं कहता हूं जो भी राम के साथ छेड़छाड़ करेंगे, राम किसी रूप से अपने अपनों प्रकट करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब मैं कोर्ट जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो डीएम के गलोक डर गए कि ये स्वामी जाएगा तो कोई ना कोई जादू करेगा वहां और उसको स्टे ऑर्डर मिल जाएगी। तो उन्होंने जल्दबाजी में जल्दी में आरडीएक्स लगा दी और उसको फूटने के लिए कोशिश की, उस तक मुझे स्टे ऑर्डर मिल गया। तो इन्होंने फिर एक ड्रेजर भेजा हॉलैंड से, 30 करोड़ रुपए खर्च करके एक नवीन ड्रेजर लाए जो काटते जाती है पानी में, उसने उसको उससे राम सेतु को तोड़ने के लिए उन्होंने ड्रेजर को भेजा। और ये अखबार में आया, मैं ऐसी कहानी नहीं सुना रहा हूं। वो ड्रेजर जैसे राम सेतु को छुआ, दो टुकड़ा होकर पानी के नीचे चले गए। इंश्योरेंस कलेक्ट करना था तो डीएमके सरकार ने एक क्रेन भेजी उसको सब नीचे पानी से निकालने के लिए, क्रेन भी टूटकर पानी के नीचे चले गए। तो सारे जो कर्मचारी थे काम कर रहे थे सब डर गए, भूत है, राम है। इन्हें ज्यादातर वहां क्रिश्चियन उस एरिया में रामनाथपुर में क्रिश्चियन वर्कर्स इन्होंने रिक्रूट किया था, सब डर गए। तो इन्होंने डीएमके सरकार ने फैसला किया कि हम हवन करेंगे और भूत को भगा देंगे। और हवन रखी, कौन करेगा पूर्ण आहुति, डीएमके वाले तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको तो भगवान में विश्वास नहीं है, अरे दिखाने चाहते हैं, वैसे मंदिर चुपचाप चले जाते हैं बंद, तो दिखाने चाहते हैं ये। तो उन्होंने रामनाथपुरम के एमएलए बालकृष्णन जो कांग्रेस का था उसको कहा कि आप आकर करिए। तो आए,
उन्होंने पूना आहुति करके फिर मोटरगाड़ी में वापस गए, रास्ते में हार्ट अटैक होकर मर गए। सब अच्छा है, राम नहीं है तो क्या और कौन कर सकता है। मैं कहता हूं कि देश में कोई ताकत नहीं है जो राम मंदिर रोक सकता है। राम मंदिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारी जीत हुई थी, एक ही गलत बात हुई, उन्होंने मनमानी करके कोई तर्क के आधार पर नहीं, कि समन्वय के लिए तीन गुंबद में दो हिंदुओं को दे देंगे, एक मुसलमान समुदाय को देंगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए जिक्र नहीं है, मुसलमान समुदाय को देंगे, और वो सुन्नी वक्फ बोर्ड मानने नहीं मानते, तो उन्होंने अपील में आया 2010 2017 तक एक भी सुनवाई नहीं। तब मुझे अशोक सिंघल ने कहा था 2016 को मेरे काल में नहीं होने वाला है, तो आप इसको देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसमें तपत जी भी थे, तो फिर मैंने कहा कौन से रास्ते से आऊं, मैंने जाकर जल्दी सुनवाई के लिए पहले पेश की, सारे लोग मेरे विरोध हो गए, ये कौन होता है, इसका कहां है, इसका कोई संपत्ति नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, ये कौन आता है, ये कहां से आ गया। तो फिर मैंने सोचा कोई रास्ता होगा, रामचंद्र जी पर मैंने अपनी ध्यान लगाई, कहा कि कोई रास्ता बताओ, तो एक दिन सुबह मैं उठा तो रास्ता पता लग गया। आर्टिकल 25 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहती है पूजा करने का मेरे मूलभूत अधिकार है, और जब आस्था कहती है राम पैदा हुए, ये कोई कोर्ट नहीं तय कर सकता, ये तो मैंने राम सेतु में भी प्रूव कर दिया कि आस्था पब्लिक का बड़ी संख्या में किसी चीज को मानती है तो कोर्ट उसमें नहीं हस्तक्षेप कर सकती है। तो आस्था के अनुसार राम एक तथाकथित जगह में पैदा हुए और वहां मुझे पूजा करने के लिए आज इतनी अंकुश लगी है कि मैं पूजा कर भी नहीं सकता, मुझे मेरी चप्पल पॉकेट में रख के आना होता, अर्चना नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, थोड़े दिन के लिए ठीक है, बट इतने साल हो गए। तो मैंने एक रिट पिटीशन डाली कि मेरा मूलभूत अधिकार दीजिए, और ये जो पार्टीज हैं अपील में, ये सब तो संपत्ति मांग रहे, सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं कह रही है कि हमें मस्जिद चाहिए, आप उनका दलील पढ़िए, उनका जो पिटीशन है उसको पढ़िए, उसमें उन्होंने यही कहा ये बाबर ने जमीन को कब्जा की और हम उसके वारिस हैं और इसीलिए ये हमारी जमीन है। बाबर तो अफगानिस्तान में है, तो सबको जाकर वहां जुड़ना चाहिए जमीन को, लेकिन उनकी बात तक कोई बाबरी मस्जिद एक शब्द ही नहीं है, क्योंकि इस्लामिक रिलीजन में मस्जिद एक नमाज पढ़ने का जगह है, और नमाज पढ़ने की जगह के कारण वो इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये सऊदी अरेबिया में कहते हैं। आप गूगल में जाकर टाइप करोगे सऊदी अरेबिया एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, आपको लिस्ट मिलेंगे कितने उन्होंने मस्जिदों को तोड़ा है। एक बार उन्होंने उस मस्जिद को तोड़ दिया, बिलाल मस्जिद मक्का में, जो पैगंबर मोहम्मद के कहने पर बनी थी, तब उन्होंने यूनेस्को ने सऊदी अरेबिया सरकार को लिखा कि कम से कम इसको तो छोड़ देते। तो उन्होंने कहा कि आप मूर्ति पूजा हमें सिखाने चाहते हैं, मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है, नमाज सड़क में भी पढ़ा जा सकता है, ड्राइंग रूम में भी पढ़ा जा सकता है, एयरपोर्ट में भी पढ़ा जा सकता है, कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो मैं ये पूछने चाहता हूं मुसलमान क्यों सिद्ध कर रहे हैं कि हमें बाबरी मस्जिद चाहिए, आपको नमाज पढ़ने तो कहीं भी पढ़ लो, वैसे जगह चाहिए जहां मुसलमान हैं, तो वो बगल में जो डॉक्टर अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट है उसमें मस्जिद बना लो, शिया कहते हैं कि हमें लखनऊ में दे दो, कि किसकी मस्जिद है, बनाने वाले बाबर नहीं थे, बाबर के आदेश पर बनाने वाले थे
मनीर बाकी वो तो शिया था, उन्होंने एक सुपरवाइजर उसको कहते हैं मुतवाली उसको अपॉइंट किया और उसने क्या किया, उसने उसकी देखभाल की, उसके फिर वारिस आज भी उसकी जो गिनती गिनती से जो वारिस है वो वहां अयोध्या के पास मिलेंगे। वो कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे और कोई जगह दे दो कहीं और अयोध्या में या अयोध्या से थोड़ी दूर, परंतु मुझे ये बाबरी मस्जिद की जमीन में नहीं चाहिए, वहां मंदिर बनने दो। सिया हमारे साथ, खोजा हमारे साथ है, बैल भी हमारे साथ है, मुस्लिम महिला भी हमारे साथ हैं क्योंकि उनको ट्रिपल तलाक जाना पसंद करते हैं। सिर्फ ये सुन्नी वाकफ बोर्ड जिसका कोई अस्तित्व नहीं है इस देश में घुस गए। 1944 में उन्होंने जिन्ना के बल पर शिया को हटाकर अपना नाम दर्ज किया और फिर 61 में एक कोई केस में उन्होंने इसको सही ठहराया, लेकिन ये शिया का मस्जिद और मस्जिद भी नहीं है जैसे चंपक राय ने अभी बताया आपको, उसमें जो मीनार होने हैं वो नहीं है। तो इसीलिए मस्जिद आपको नमाज पढ़ना है तो हम इंतजाम कर देंगे, हमारे हिंदू इतनी दयालु हैं कि बाहर से आए सीरियन क्रिश्चियंस उनको हम जगह दे दी। सीरियन क्रिश्चियंस यहाँ बहुत आनंद से रहे, उन्होंने अपनी चर्चेज बनाई। पारसी आए थे ईरान से भाग के जब मुसलमानों ने कब्जा की ज़ोरास्ट्रियन, उनको हमने गुजरात में जगह दी, उनकी तब मंदिर बना के दी। और जब अंग्रेज जा रहे थे उन्होंने पारसी के नेताओं से मिलकर कहा कि आप तो इतने छोटे समुदाय हैं, ये हिंदू तो इतना बड़ा खा जाएगा आपको, इसीलिए हम आपके लिए रिजर्वेशन देकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा 1000 साल के लिए हिंदुओं ने हमारी देखभाल की, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ और हिंदू हमें देख लो। यहूदी भी सब जगह में उनकी मार काट दी, हिंदुस्तान में आए हमने उनके लिए उनकी सिनोगा जिस मंदिर को सिनोगा कहते हैं वो बना के दी कोचीन में बॉम्बे में। जब इजराइल बना तो ये सब आधे लोग तो चले गए वापिस इजराइल, और इसराइल पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पास किया, धन्य हो भारत एकमात्र देश दुनिया में जहां यहूदियों की शोषण नहीं हुई थी वो हिंदुस्तान है। ये हमें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। जवाहरलाल नेहरू का सेक्युलरिज्म क्या था, सोमनाथ का मंदिर का उन्होंने विरोध किया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल लगभग पास हो गई थी, उसको हत्या की उसकी उसको खत्म किया, नहीं होने दिया, इस्तीफा देने की धमकी दी, और किसकी बात सुनते थे हमारे, वो कभी पटेल की बात तो सुनी नहीं, तो कश्मीर का कभी समस्या नहीं होती। मैं तो कहता हूं गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, भला तो उन्होंने पटेल का नहीं किया, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लिए किया। तो कभी कभी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू गोडसे का कोई संबंध था कि नहीं। अब उसके वारिस कौन है, सोनिया गांधी इटली की है, उसकी पढ़ाई क्या है बताते नहीं है कांग्रेस वाले। पहले एक बार उनको तो चुनाव लड़ रही थी तो कह दिया कि हमें इंग्लिश में डिग्री मिली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो मुझे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स ने लेक्चर में बुलाया था, मैं तो डिनर टाइम में पूछा भाई कैसे स्टूडेंट थी ये, कहते ऐसे ही कभी स्टूडेंट थी नहीं है वो वहाँ रेस्टोरेंट में वेटर्स। तो मैंने आकर फिर स्पीकर को कहा कि इसने ऐसे हूज हू लोकसभा का इसमें ऐसा लिखा, परंतु ये देखो रजिस्ट्रार ने क्या दिया। तो स्पीकर ने उसको चिट्ठी भेजा कहा कि तुम्हें क्या करना है, 3 महीने के बाद उन्हें जवाब दिया कि जो मैंने लिखवाया है ये टाइपिंग मिस्टेक है।
तो स्पीकर ने कहा क्या करें आगे. मैंने कहा ये टाइपिंग मिस्टेक, इसको आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को दीजिए. राहुल गांधी के डिग्री कहीं है? मैंने अभी कितने बार उनके लोगों से बोला कि मुझे दिखाओ डिग्री, दिखाने नहीं दे, जानते क्या होगा, मैं कैंग्रीज चले जाऊंगा, उसको फर्जी दिखाते बता दूंगा. और ये मजाक उड़ा रहे प्रधानमंत्री मोदी को कि वो चाय वाला को देता था, चाय बेचता था. जवाहरलाल नेहरू की देन थी कि वो बन सके प्रधानमंत्री. मैं पूछ लेता हूं कि सोनिया गांधी क्या थी? यूनाइटेड किंगडम में 5 साल थी. नौकरी कहां की वो ये बताता है. मुझे पता है पर बताऊंगा नहीं, मुझे पता है. और ये हमें लेक्चर दे रहे हैं. कम से कम मोदी तो स्वदेशी है, ये तो विदेशी है. तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये सारी जो हवा बनाई थी, शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया एक ही कारण से कि शंकराचार्य शेड्यूल कास्ट के मंदिरों में जाकर अर्चना करते थे, इससे धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता था, इसीलिए उन्होंने जेल तक को मजबूर करके उसको अरेस्ट करवाया. अब वो प्रणब मुखर्जी ने अपने पुस्तक में यह लिख दिया, इसका अभी तक जवाब नहीं. तो मैं ये कहता हूं राम मंदिर बनाना ये हमारी अस्तित्व है, ये हमारी अस्मिता है. हम सिर्फ राम मंदिर नहीं बना रहे, हम ये जो हजार साल में बाहर से हमारे देश पर आक्रमण होकर ये नरसिंहार हुई, ये दुनिया भर की कुकर्म ही, उसका हम रिवर्स गियर में डालकर अपने देश के पुनरुत्थान करने से चाहते हैं, इसीलिए हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं. मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, जहां राम पैदा हुए वो तो एक ही जगह है हमारे अस्तित्व के कारण. मुझे एक मुसलमान ने पूछा आपको कैसे पता राम वहां पैदा हुए, तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है कि अलक्सा मास्क में मोहम्मद वहां से गुजर या बेथलहम में क्राइस्ट वहां एक झोपड़ी में पैदा हुए, आपको कैसे पता है? मुझे पता कि किस आधार पर वो मानते हैं कि बेथलहम जो इज़राइल में है वहां जीसस पैदा हुए थे. जो इटली का राजा था उस समय रोमन, उसको कहते थे रोमन, उसकी राजा की मां स्वप्न में देखा इस जगह को और वो ढूंढ के आके कहा कि यहां क्राइस्ट पैदा हुए. उस दिन से ये मान्यता आस्था का यही है जो पब्लिक मानती है. गुरु नानक आए थे, उन्होंने मंदिर देखा. और भी कारण देता हूं जिससे हमारी यानी कभी कभी गुस्सा आती है कि इतनी सबूत होने के बाद इतनी धीमी क्यों जा रहे. सब संपत्ति के लिए लड़ रहे, मैं नहीं संपत्ति के लिए लड़ रहा, मैं मूलभूत अधिकार के लिए लड़ रहा हूं. जिस दिन मेरी पिटीशन की सुनवाई शुरू होगी एक हफ्ते में हम जीत कर देंगे और राम मंदिर विधि व्यवस्था करेंगे. इसीलिए कांग्रेस हमारी भेद ही नहीं लगने देती है, कहते नहीं नहीं ये जो इश्यू है पहले ये जो 1994 में फरूकी जजमेंट में कह दिया कि मस्जिद अनिवार्य हिस्सा नहीं है इस्लाम का, इसीलिए उसको तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है. ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने फैसला की थी. वो कहते नहीं नहीं वो 5 गलत थे, 7 अब बनाना चाहिए. 5 महीने उसमें लग गए, इसी में देरी हो गई. नहीं तो उस 5 फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो हमारे पक्ष में ही दिया था कि नहीं नहीं पर दोबारा पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है, मस्जिद अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है. सिर्फ अभी लड़ाई चल रही है किसकी संपत्ति है, जिन लोगों ने मंदिर रखा था या जिन
जिन्होंने मस्जिद की बारिश अपनी को कहते हैं, मेरा तो अलग सा है, मूलभूत अधिकार, हमें संपत्ति नहीं चाहिए। और मूलभूत अधिकार के लिए कितने आधार हैं? नरसिंह राव को सरकार ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, इसका हल क्या है? तो नरसिंह राव को सत्य प्रमाण माने एफिडेविट पेश करने के लिए कहा। नरसिंह राव की सरकार की सॉलिसिटर जनरल ने फाइल किया और क्या कहा कि यदि यह कभी सिद्ध होता है कि यहां पहले एक मंदिर थी तो फिर हम ये जमीन हिंदुओं को दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? अलाहाबाद हाईकोर्ट को कार्य पता करो। अलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दो लोगों को दिया, एक बीबी लाल दुनिया के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और दूसरा के मोहम्मद केरल के। दोनों ने मिलकर सबसे आधुनिक यंत्रों को उपयोग करके कहा कि जहां मस्जिद खड़ी थी उसके नीचे एक विशाल मंदिर की जो बाकी है हिस्सा है वो है, ये हमारे मंदिर था। तो फिर नरसिम्हा राव के कहने पर सही करना वो तो एक दिया हुआ है, एक एफिडेविट दिया हुआ है, इसके अनुसार हमें मिलना चाहिए। नीचे सुबह, नीचे सुनने की क्या बात है? डंडी से पकड़ो, कल हम जाकर उस वहां घुस जाए और मंदिर बनाने लगे क्या होगा? सही है, मैं नहीं कहता हूं कि हमें करना चाहिए ऐसा। जैसे सबरीमला में हुआ, लोग पब्लिक बाहर आ गई, शाबरमती के लिए पब्लिक बाहर आ गई, दलितों का कानून ने थोड़ा ढील दिया कि कब अरेस्ट कर सकते हो, तुरंत करने की जरूरत नहीं है, एक हफ्ते के बाद कर सकते हो, उसके लिए लोग बाहर निकले। उसमें सब में सरकार ने कार्रवाई की और कहा कि हम कानून बदल देंगे, तो हम भी कानून बदल सकते हैं काम के लिए। अभी तो कोई ऐसा संकट नहीं आई कि अर्जी करना है। मैं तो कहता हूं डेट दे दें हमें जनवरी में, मेरा तो 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि मूलभूत अधिकार का सवाल है। आधा काम तो सुप्रीम कोर्ट ने कर ही दिया है, कह दिया मस्जिद अनिवार्य हिस्सा है। सऊदी अरेबिया में अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए मस्जिद तोड़ दे। और जब मैंने जो आपको जिक्र किया कि मोहम्मद ने जा रहा मस्जिद उसको तोड़ने के लिए, जब यूनेस्को ने प्रोटेस्ट किया कि कम से कम इसको छोड़ दें, तो सऊदी अरेबिया का जवाब यह था कि मूर्ति पूजा हमें सिखा रहे, मूर्ति नहीं हो सकता, हमारे मंदिर में क्या है, प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने के बाद भगवान मूर्ति में प्रवेश करके मानक बन जाता है, स्वामित्व उनका है, बाकी लोग ट्रस्टी बन सकते। मैं जब लॉ मिनिस्टर था तो एक बात आई थी कि एक टूटा टूटा ताला लगा हुआ मंदिर तंजावुर में, वहां एक नटराज मंदिर, वो नटराज का जो मूर्ति था 25,000 में चौकीदार ने स्मगलर्स को बेच दिया, उन्होंने जाकर के उसको लंदन में 5 करोड़ रुपए के लिए नीलाम का नीलाम में भाग लिया। तब हमारे एम्बेसीज ने हमारी सरकार को कहा, मैं उस समय लॉ मिनिस्टर भी था, और वो जब राजीव गांधी की सरकार ने किया था, बट राजीव गांधी उसको पूरा नहीं कर सके, तो मेरे पास आई थी, तो हमने बहस करके यही कहा कि ये वो स्मगलर लोग कह रहे थे हमने तो 25,000 दे दिया, ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। हमने कहा इनकी प्रॉपर्टी जायज या नाजायज तरीके से हुई है वो तो मैं नहीं जाऊंगा, परंतु तो हमारे धर्म के अनुसार जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तो मंदिर सदा के लिए मंदिर रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको बात को मानकर जजमेंट में देकर उन्होंने इसको वापस कराया।
कोई भी हमारे मंदिर को नहीं तोड़ सकते। मुसलमानों ने 40,000 मंदिरों को तोड़ा, 3,000 प्रमुखों में। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को कि भगवान कृष्ण की आदेश है कि 3 को छोड़ दो, बाकी हम माफ कर देंगे। अयोध्या के राम मंदिर, मथुरा के कृष्णा मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर। और मैं कहता हूं मुसलमान नेताओं को कि महाभारत से सीखो। डायलॉग कृष्णा ने कहा 5 गांव दे दो, हस्तिनापुर रख लो, हस्तिनापुर रख लो, इंद्रप्रस्थ रख लो, अपने राज्य भी रख लो, सब कुछ रख लो, 5 गांव दे, 5 पांडव 5 गांव। उसने कहा एक भी नहीं, जो जो सुई की नोक है वो भी नहीं दूंगा। और क्या हुआ परिणाम, हस्तिनापुर भी गया, इंद्रप्रस्थ भी गया और उसकी जान भी गई। इस देश मूलतः हिंदू देश है, सेक्युलर वेक्युलर सब हम हिंदू ही सेक्युलर, बाकी कोई सेक्युलर नहीं है। आप शरिया चला सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, वो तो कहते हैं नो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ऑस्ट्रेलिया में, है अमेरिका में है, क्या वो सेक्युलर नहीं है? वो कहते हैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक मौलवी ने कहा कि मुझे बहुत दुख होता कि ऑस्ट्रेलिया में हमें शरिया नहीं दिया, शादियों के लिए शरिया को माना नहीं। तो दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने बयान दिया ऑस्ट्रेलिया का कि तुम्हें शरिया चाहिए तो दूसरा देश चले जाओ, यहां नहीं मिलने वाले। और सऊदी अरेबिया में मंदिर बनाने देते हैं, कितने हैं 20 लाख हिंदू कर्मचारी हैं, एक भी मंदिर नहीं। दिवाली मना सकते हो? नहीं मना सकते। सत्यनारायण पूजा घर के अंदर कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैंने जब सऊदी अरेबिया के एक राजा से पूछा ये क्या आप करते हो, क्यों नहीं उनको मंदिर बनाने देते हो, कहते ये हमारी इस्लाम है, ये हमारी धर्म है। मैंने कहा हिंदुस्तान में हम भी अपना धर्म इसी प्रकार से पालन करेंगे तो कैसा लगेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आप मूर्ख हो, हम मूर्ख नहीं है, इतना ही फर्क है। क्यों नहीं, देश की बंटवारा हुई थी किस आधार पर? हाँ पढ़ो उस हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट में उन्होंने कहा हम एक मुस्लिम शासित देश और एक हिंदू शासित देश दो पैदा कर रहे हैं। और बाद में जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों ने कहा जो मुसलमान नहीं जाने चाहते हैं नहीं जाए, हम भी मानते हैं नहीं जाने चाहते मत जाओ, परंतु एक चीज मान लो जो विज्ञान बोलती है सही है कि तुम्हारा पूर्वज हिंदू है, ये मान लो। यदि आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो इसके माने आप गोरी और गजनी का औलाद है, फिर हम क्यों आपको माफ करें? आपको बराबर अधिकार क्यों दें जिन्होंने लूटा हमारे देश को, जिन्होंने हमारे देश को सबसे दुनिया के विकसित देश से उसको सबसे गरीब देश बना दिया। अब मुसलमान मान लें कि मेरा, और उनको सबूत चाहिए तो DNA टेस्ट मेरे साथ करा लो। एक बार ओवैसी के साथ मेरी डिबेट हुई थी, तो मानने के लिए नहीं तैयार था। मैंने कहा तुम हैदराबाद में एक बहुत फेमस माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, मेरे साथ चलो, मेरा और तुम्हारा दोनों का फ्रीन सैंपल लेके DNA क्या कहती है दिखाई पड़ेगा, हम दोनों एक ही DNA के हैं, तुम्हारा पूर्व हिंदू है, इसमें क्या बुरा है? एक जमाने में तो 100% हिंदू थे ना, और बाद में
अनेक अन्य देशों के जैसा नहीं, हमारे लोग लड़ते रहे, सब कुछ छोड़ दी। उस समय विकास की बात किसी ने नहीं की, हमारी दाल रोटी की बात किसी ने नहीं की, यहां तक कि जो राजा थे उन्होंने कहा घास की रोटी खाऊंगा परंतु मैं कभी नहीं विदेशी राजा को मानूंगा, ये राणा प्रताप ने कहा। आज भी कहता हूं विकास जाए जन्म में परंतु राम मंदिर बनेगा उसका कितना भी कीमत चुकाना होगा। और उसके बाद अब राम मंदिर सबसे पुराना है इस दृष्टि से, परंतु कृष्णा मंदिर को तो दिखाई पड़ता है, उसके लिए तो कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं, वो तो सीधा दिखाई पड़ता है, खोदने की जरूरत ही नहीं, जो आमने सामने दिखता है कि मंदिर का एक हिस्सा मस्जिद बन गई। आपके काशी विश्वनाथ को भी देखें तो कभी ना कभी इसके लिए मुस्लिम समुदाय को भी आना चाहिए, और बहुत मुस्लिम समुदाय आने के लिए तैयार है, परंतु जब खड़ा होंगे, जब हिंदू खड़ा होगा, हिंदू बैठेगा तो कभी नहीं तुम्हारे साथ आएंगे। क्यों आएगा? क्योंकि मोहम्मद ने कहा कि परिस्थिति ऐसे पैदा होंगे तो आपको आना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुसलमान क्यों नहीं विरोध करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं है, हम आपका अपना शरिया चाहते हैं, क्यों नहीं करते? मैं जब मुसलमानों से पूछता हूं जिनको मैं जानता हूं, वो कहते हैं हमारे धर्म में लिखा है अलतकिया। अलतकिया मोहम्मद ने कहा कि जब आप पिटने की स्थिति में है तो सरेंडर कर जाओ। किसी मुसलमान से पूछ लीजिए अलतकिया क्या है। मोहम्मद को जब यहूदियों ने पीटा तब उसने मक्का में कहा कि मैं आगे से धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, फिर वो चले गए, भाग गए, मदीना गए, वहां उसने सेना तैयार करके फिर आए। तो उनके साथियों ने पूछा तो आपने तो यहूदियों को कहा कि कभी धर्म नहीं परिवर्तित करें, आप तो आप तलवार लेकर लगे हुए। तो उन्होंने कहा वो अल तक क्या, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट, अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मैं कहता हूं कि जिस दिन हिंदू में एकता आ जाएगी इस देश में, कोई भी अल्पमत ऐसी बात नहीं कहेंगे जैसे राम मंदिर बनने नहीं देंगे। ये हमारी कमजोरी है कि आज तक राम मंदिर नहीं बनी, और हमारी विराटता तब प्रकट होगी जब इस देश में राम मंदिर बनेगी, इसीलिए ये हमारी अस्मिता का है। हमारे धर्म में हमारी सब कुछ है, महिला पुरुष की एकता। लोग बोलते हैं सब जगह में बराबरी आधार होनी चाहिए, हमारे धर्म में हमने कभी इसका इनकार किया। जब ब्रह्मा ने कैबिनेट बनाई उन्होंने सारी जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है उन्होंने महिलाओं को दे दी, फाइनेंस लक्ष्मी को, डिफेंस पार्वती को और दुर्गा को, और शिक्षा शिक्षा सरस्वती को। और मैंने ढूंढा कोई पुरुष को कुछ मिला तो यस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नारद में मिला। सीता के जिद पर राम को आना पड़ा रखना हनुमान का, और उसको रावण को वध करना पड़ा, क्योंकि हनुमान गए अशोक वाटिका में, कहा कि मेरे पीठ में बैठे मैं ले जाऊंगा, राम बहुत दुखी है, रो रहे हैं, रानी इतने महिला यहाँ कैदी बैठे, मैं नहीं, राम को आना पड़ेगा, इनको वध करना पड़ेगा। द्रौपदी ने भी महाभारत हुई उनकी दृढ़ संकल्प के कारण। ये हमारे देश में ये सारी संस्कृति को जो एक पुनरुत्थान के रूप में हमें लाने की आवश्यकता है। हम ये लड़ रहे हैं, जीतेंगे निश्चित, क्योंकि सारे हमारे जो कारण है हमारे पक्ष में। कोई एक भी कारण बता दीजिए कि मस्जिद बनना चाहिए, क्योंकि मस्जिद कहीं भी बन सकता है तो यहीं बनना है, कौन सा कारण है मुसलमान नहीं बता सकता।
कहते आपने तोड़ा है, उसमें क्रिमिनल केस चल रही है जिन्होंने तोड़ा। तो उसी को ना एक समाज में तो वही कर सकते हैं, कोई अपराध करेगा तो फिर हम केस चला सकते हैं, हम केस चला रहे हैं। उस क्लेश को तो दबा दिया था यूपीए गवर्नमेंट ने, हमने उसको दोबारा उसको दोबारा चलाया है, तो इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि अडवाणी जी और मुरलीमनोहर जोशी उमा जी ने कोई मस्जिद तो कभी तोड़ा, क्योंकि वो कभी मस्जिद नहीं था। 1949 के बाद वो मंदिर था, वहां पूजा होता था, नया मंदिर बनाने के लिए उसको तोड़ा गया था, मस्जिद को कभी नहीं तोड़ा। आज मैं यही कहूंगा कि छोटी छोटी बातों में मत जाइए, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, कोई कर सकता तो हम ही कर सकते हैं। लोग बड़े बुराई करते हैं बीजेपी, सिर्फ इलेक्शन टाइम में सोचती है ये बात, अब कहां कैसी बात कर रहे हैं। हम तो 2016 से हम कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं, डेट दो टाइम दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ हम कर नहीं सके, मैंने कहा कि दिवाली तक हो जाएगा, परंतु ये बीच में ये नया सवाल उठा दिया कि जो 5 जजेस ने तय किया था उसने उसको गलत है, उसको 7 जज के सामने सुनवाई होनी चाहिए, उसमें 5 महीने चले गए। तो मैं ये कहता हूँ आज भी हमारी जो मूलभूत अधिकार है, मैं सिर्फ पंपति में जे रहा हूँ, किसकी मस्जिद है किसकी मंदिर है इसमें नहीं जा रहा, राम का मंदिर है वही है मालिक, जगह कौन सी है ये आस्था ने हमें बता दिया है, और मेरा मूलभूत अधिकार है धारा 25 कॉन्स्टिट्यूशन में कि मुझे आस्था के अनुसार पूजा करने के लिए, और उसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। और जो संपत्ति के अधिकार है वो साधारण अधिकार है, और साधारण अधिकार मूलभूत अधिकार के सामने टिक नहीं सकते, और इसलिए इसीलिए हम सब लोग एकजुट होकर राम मंदिर बनाएंगे, इसमें दृढ़ संकल्प रहे, यही आवश्यक है, और कुछ आवश्यक नहीं है। बनने वाला निश्चित है, क्योंकि राम की जो लीला है वो आप देखोगे, मैंने राम सेतु में देखा जब तो सबने कहा कि ये कभी नहीं, सारे जो बालकृष्णन जो चीफ जस्टिस है वो क्रिश्चियन है, वो तुम्हारे खिलाफ है, ये खिलाफ है, वो खिलाफ है, परंतु मैंने अशोक जी को कहा कि इसमें राम सेतु को कोई नहीं छू सकता, मैं बता रहा हूं, क्योंकि रामचंद्र जी होने नहीं देंगे, इसीलिए राम सेतु बचेगा। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि राम अब तय कर लिया है कि यहां मंदिर दोबारा बनना चाहिए, कोई ताकत नहीं रोक सकती, यह विश्वास रखिए, और इस विश्वास के साथ आप एकजुट करके आगे बढ़िए। आप किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इतने संख्या में हैं कि लोग अपने आप धीरे धीरे जब आप देखते हैं हम दृढ़ संकल्प के लोग हैं तो झुकेंगे और हमारी रास्ते पर आएंगे। अभी बहुत लोग कह रहे हैं मुझसे कि किसी तरीके से इसको निपटा दो, मुसलमान कह रहे हैं मुझे किसी तरीके से निपटा दो, क्योंकि हमें कोई इतराज नहीं है, राम तो इमाम हिंद है, उनको हमारे बड़े कवि ने यही कहा था, राम को हम मानते हैं, हम तो इतना ही कहते हैं कि राम मंदिर, कृष्णा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर 3 छोड़ दो, बाकी 40,000 हम छोड़ देंगे आपके लिए, हम और कुछ नहीं मांगेंगे, दोनों हिंदू मुस्लिम भाईचारा के साथ रहेंगे। और एक और बात आप मान लीजिए कि आपका पूर्वज हिंदू है तो हम परिवार का हिस्सा निकालेंगे, और ये बीएचयू एक क्रांतिकारी भूमि है, यानी इसे हिंदू को शुरू की मदर लैंड, तो यही से मैं आपको कहता हूं कि वचन करता हूं कि अगले बार आऊंगा तो राम मंदिर बनाने की काम शुरू हो जाएगा।